इधर सर सर इधर देखिए, क्या बात है, सुपर। चलो राहुल सर, बात किस एल्बम की तो बताएंगे, एल्बम बात क्या है, किस तरह एल्बम है, क्या है। इट्स अ रोमांटिक एल्बम एंड वी आर अ न्यू कमर्स, सो होप सो आप लोगों को पसंद आए, आप लोग इंजॉय करें, आप लोगों ने बहुत मेहनत की और मेहनत कर रहे हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी कैसा लगता है। सैड रोमांटिक है जैसे नितीश भाई, या इट्स अ सैड रोमांटिक, सो फीलिंग्स के साथ थोड़ा सा इमोशनली हम, एंड इट्स टच फॉर अ सूफी टच, राइट। और शाहिद सर ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो वी आर हैप्पी फॉर दिस। इससे पहले आई एम अ प्रोड्यूसर जस्ट ओनली, ही इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर, तो एंड ही ऑल्सो मॉडल, तो आई वाज इनटू एक्टिंग एंड देन मॉडलिंग, नाउ डूइंग दिस एल्बम। And ये पहला प्रोजेक्ट है आप लोगों का? Yeah, this is I've done short films but not at like this level. Okay. This is my first project going to be aired like this. Okay. तो स्टूडियो की कहानी होती है? Yeah. ये गाने की कहानी। तो क्या कहानी स्टूडियो की है जो बनाने वाले जो करने वाले लोग फीचर? इस एल्बम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस एल्बम में पूरी एक कहानी, एक पूरी फिल्म है जो हम अभी आपको लोगों को नहीं बताएंगे। एक पिक्चर देखने को मिलेगा आपको 5 मिनट में, बहुत इमोशनल। हाँ, टोटल 3 hours की फिल्म आपको एक सॉन्ग में मिल जाएगी, 5 मिनट आपको देखने को मिलेगा। और ये कमल सर हमारे डायरेक्टर हैं, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है और वही आपको अच्छे समझा पाएंगे, तो आई थिंक उनको बताना बेटर रहेगा। जो म्यूजिक दिया है ऑडियंस से मैं यही कहूंगी कि प्लीज 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 इस गाने को बहुत पसंद करिए, नहीं भी पसंद आए फिर भी लाइक करें, पसंद करें और इसे फेमस करें और हिट कर दें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और हम लोगों को अगले वीडियो में देखना है तो प्लीज इसको प्रमोट करें जितना हो सकता है। शहीदों के लिए क्या कहेंगे दोस्तों? शहीदों के लिए आपने बहुत इमोशनल क्वेश्चन कर दिया, ये बहुत ही टफ होता है, इट्स वेरी टफ कि आपके देश में ये सब कुछ हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते, सबसे बड़ी गंदी फीलिंग ये आती है अंदर से। I'm from basically army background, मेरे डैड भी आर्मी में है और जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। और मतलब अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आई एम रेडी, गवर्नमेंट बुलाएगी तो ऑब्वियसली वी कैन गो। कल रात को मीरा रोड में बम ब्लास्ट हुआ, उसके लिए क्या मतलब फील कर रहे हैं आप, जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद कल रात को मीरा रोड में हुआ बम ब्लास्ट, क्या क्या हो गया सर, क्या फील कर रहे हो आप? ये एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं होती है सर, ये हम जस्ट सिंपैथी बट वी कांट डू राइट नाउ। मोदी जी क्या अब क्या बोलोगे सर? ही इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर एज यू एवरीवन नोज, लाइक लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं इस चीज़ पे, वो उनका क्या डिसीजन रहेगा, क्या करने वाले हैं। सब लोग चाहते हैं कि रिवेंज हो, रिवेंज का मतलब फाइट है, जो भी सॉल्यूशन होगा वो वही बता सकते हैं, बट हाँ जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा वी आर रेडी। या थैंक यू।